स्टूडेंट है की की, सारी चीजें आ चुकी है रिजल्ट इज अवेटेड अब यही बात चलिए आ जाएगा या कल आएगा तो आज से आज भी आ सकते हैं किसी टाइम पे लेकिन ये तो तय की ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल तक तो आपका आ ही जाएगा क्योंकि तो फिर अगले दिन से सेवन्थ मे तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर एडवांस स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो अब की जो रिजल्ट आएगा बच्चे वरिड है जो पहली बार दे रहे कि रिजल्ट में क्या होगा कैसा होगा जिन्होंने दोनों सेशन दिए हैं तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें दोनों ही सेशन के मार्क्स होंगे यानी कि एन स्कोर होगा और दोनों में जिसमें आपके ज्यादा स्कोर होंगे वो आपका फाइनल स्कोर होगा उसी स्कोर के बेसिस पर आपका कट ऑफ जो जेई डिक्लेयर करेगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कट ऑफ जिसके बेसिस पर आप अगले एग्जाम यानी कि जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है या फिर सर्टेन कॉलेजेस होते हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आपका जो स्कोर है जो दोनों में एग्जाम में हाइयर है उसी के बेसिस पर आप बैठेंगे बच्चे को ये स्कोर चाहिए ऑल इंडिया रैंक मिलेगा कैटेगरी रैंक मिलेगी इन सब की जरूरत आपको जोसा काउंसलिंग में होगी होम स्टेट कोटा में हेल्प मिलेगी ठीक है और आपके रिजल्ट पे आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका नाम एंड एड्रेस वगैरह सब तो रहेगा तो अभी जेई एडवांस की रजिस्ट्रेशन होनी शुरू होगी थर्टी एथ अप्रैल से तो इस वजह से ट्वेंटी नाइन तक तो लेटेस्ट आपका रिजल्ट आ ही जाएगा अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है तो आप अभी से ही एडवांस की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए और रिजल्ट एक दो दिन में मे भी आज ही आ जाए या कल ही आ जाए कुछ भी हो सकता है क्योंकि एन टी ए आप जानते हो कभी भी अचानक से कुछ भी करता है रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया है इस बार तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल एंड डू सब्सक्राइब विद